चैनल थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना यार। अजीब लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले मैं इसी तरह से अपनी वीडियोस बनाया करती थी। एक सेकंड पहले मैं इसे हटा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करती हूँ। आपको लगा होगा ना कि यार ये क्या था, तो बात ये है कि मेरे कई सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि मैं अपने वीडियो कैसे रिकॉर्ड करती हूँ, मतलब कौन सा है कैमरा, कैसा है सेटअप, कई सारी बातें। यार वीडियो में तो आप मुझे देख लेते हैं, लेकिन वीडियो के पीछे भी कई सारी बातें होती है जो आपको पता नहीं होती है। मैं कैसे रिकॉर्ड करती हूँ, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप में से 99% लोग तो ज़रूर से ज़रूर मोटिवेट होंगे, और वो भी यही सोचेंगे कि यार मैं कल से मैं भी अब स्टार्ट कर दूंगा वीडियो बनाना। कई लोगों से मेरी बात हुई है और उनके जो थॉट्स थे वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कि उनको लगता है कि वीडियो बनाने के लिए उनको बहुत ही महंगे महंगे सामान चाहिए, मतलब बहुत ही बड़ा सा कैमरा, DSLR होना चाहिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बढ़िया सी कमाल की लाइटिंग होनी चाहिए, माइक होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया सा बेहतरीन सा एक ट्राइपॉड होना चाहिए। तो यार ये सब बेफिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शुरुआत में मैं अपने वीडियोस को कैसे रिकॉर्ड किया करती थी। तब आपको लगेगा कि हाँ यार इन सारी चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वही है जिसको अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। एक्चुअली ये मेरा ट्राइपॉड हुआ करता था, जैसे कि मैं आपको होममेड नेचुरल रेमेडी बताती हूँ, उसी तरह मैंने होममेड नेचुरल अपना ट्राइपॉड बना लिया। आप इसको देख लो, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे बनाया कैसे। एक्चुअली मुझे एक डंडा मिल गया मेरे घर पे और एक ब्लॉक पड़ा हुआ था, तो मैंने कील की हेल्प से इन दोनों को जोड़ के अपना ट्राइपॉड बना लिया। और स्टार्टिंग में मैं इसे ही ट्राइपॉड की तरह यूज़ करती थी, बस मैं मोबाइल में इसे लगा लेती थी इसको और बस ये ऐसे रुक जाता था और मैं अपने वीडियो शूट करती थी। अब देख लो इसको, मैं इसको रख रही हूँ तो थोड़ा बहुत हिल भी रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता था ना, 2-3 बार मेरा फोन गिर भी चुका है, बट थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं फोन को, वो सलामत रहा। तो ये बात तो हो गई ट्राइपॉड की। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं माइक के लिए क्या करती हूँ। तो यार मेरे पास शुरुआत में माइक नहीं था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने ईयरफोन का यूज़ किया और इसी में मैंने अपना माइक बना लिया, और इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरे वीडियोस को बनाने में। तो ये बात तो हो गई माइक की और ट्राइपॉड की। अब लाइटिंग का क्या सीन है, देखो लाइटिंग के लिए ज़रूरी नहीं बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हों, लाइटिंग का बहुत बढ़िया सा इंतज़ाम हो, तभी आप वीडियो बना सकते हो। कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी तक मैं अपनी वीडियो सूरज की रोशनी में ही बनाती हूँ। यार लाइट का सबसे अच्छा सोर्स सन ही होता है, आपको पता है। और जहाँ मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ यहाँ पे, जब सूरज की रोशनी अच्छी आने लगती है तभी मैं अपने वीडियोस बना पाती हूँ। और वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैं अभी तक अपने मोबाइल का यूज़ करती हूँ, उसे से ही अपने सारे वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ और मोबाइल से ही अपने सारे वीडियोज़ को एडिट भी करती हूँ, मोबाइल से मेरा सारा काम हो जाता है। तो यार आपने ये तो देख लिया कि अगर आप चाहें स्टार्ट करना यूट्यूब पे वीडियो बनाना तो आप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत महंगी महंगी चीज़ें हों, सामान हो, तभी आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने देखा यार कि मैंने किस तरह से अपनी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। ये बात तो हो गई, पर यार अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो बनाना चाहते हैं पर वो कुछ चीज़ों के बारे में सोचकर वीडियो नहीं बनाते, कि उनको ये लगता है कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है यूट्यूब के बारे में कि वीडियो कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, कौन कौन से ऐप होते हैं वीडियो को एडिट करने के लिए, वीडियो अपलोड कैसे करते हैं यूट्यूब पे, थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो में कैसे बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, कितना बोलना होता है, और डिस्क्रिप्शन पे क्या लिखते हैं, कैसे लगते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग सोचते हैं कि यार मुझे तो पता ही नहीं है तो वीडियो भी नहीं बनाते हैं। होता है ना आपके साथ ऐसा। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, मेरी ही स्टोरी है ये। मुझे 1% नॉलेज नहीं था, हाँ मुझे बस, जैसे कि मैं अपने एक पिछले वीडियो में बोल चुकी हूँ कि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था, ब्लॉग्स पढ़ने अच्छे लगते थे, मुझे थोड़ा बहुत ये नेचुरल चीज़ों के बारे में नॉलेज था। बट अगर आप सोच लो कि मुझे यूट्यूब के बारे में सब कुछ पता था, मुझे थंबनेल बनाना बहुत अच्छे से आता था, एडिट करना आता था, सारे ऐप्स के बारे में पता था, तो कुछ भी नहीं पता था मुझे। बस पता था व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप पे किसी इंसान से बात कैसे करते हैं, पर व्हाट्सएप इंस्टॉल कैसे करते हैं मुझे ये भी नहीं पता था। अगर किसी ने मेरे फोन का व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया तो मुझे तो ये भी नहीं पता था यार कि व्हाट्सएप को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। हाँ अब मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता चल गया, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम महान बन गई कि हाँ यार अब मुझे सब कुछ पता है। अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, पर मैं सीखूंगी ना। अभी देखो आप एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले लो, मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखो, मैंने वो किस तरह से बनाया है, उसमें मैंने कैसे बात करी है, कैसे सब एडिट किया है आप देख लो। आज के आप मेरे वीडियो देख लो कि आज के वीडियो में एडिटिंग कैसे हो रही है, कैसे मैंने बोला है। अब शुरुआत के अगर मेरी वीडियोस देखोगे ना कि मैं किस तरह एक रोबोट की तरह समझ लो आप, मैं बोलती थी कि हाँ एकदम स्लो स्लो रोबोट की तरह बिल्कुल अपना वीडियो बना लेती थी और अपलोड कर देती थी, पर मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया। आज की वीडियो में आप देखो कि मैं आज कैसे बात कर रही हूँ, तो
सारी यूट्यूब की ही देन है, सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। अगर मैं भी ये सारी चीजें सोच लेती ना कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो यार आज मैं भी ये थोड़ी ना कर पाती, यूट्यूब पे मेरा चैनल ना होता, आप लोग मुझे ना जानते, मैं आपसे आज बात ना कर रही होती। पर यार मैंने इन सारी चीजों के बारे में तो सोचा ही नहीं, बस मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ, एक प्लस पॉइंट मेरा ये था कि मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है, तो बहुत बढ़िया, आप भी ग्रो करोगे, आप भी अपना चैनल बनाओ, या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहो तो आप कर सकते हो। बस होना चाहिए ना कि हाँ मुझे करना है। तो यही सारी चीज़ें कि कुछ ना जानते हुए भी मैंने धीरे धीरे सब कुछ सीखा और थोड़ा बहुत नॉलेज गेन होता गया, सीखती गई मैं। और तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और शेयर मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों को मोटिवेट करने वाला है कि यार किसी को कुछ नहीं पता है लेकिन फिर भी वो स्टार्ट कर सकता है अगर वो चाहे तो। और लाइक तो करना बिल्कुल बनता है यार, मैंने अपनी इतनी अच्छी सी चीज आपसे शेयर की, काफी ढेर सारी आपसे बातें की, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।